कि दोस्तों रात को नजारा रजवाड़ा का कुछ नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल। और हो क्या नज़ारा है, कौन सा नदी है, नर्मदा नदी और कावेरी नदी के संगम। यहीं के बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं इसी का। इससे पहले सोचे कि कुछ नाश्ता कर लेते हैं और हम लोग यहाँ रुके, बाकी बहुत प्यारा होटल है, बहुत ही होटल नहीं हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए दिन एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग हैं इंदौर में और इंदौर आज हमारा यहाँ से अब आज जाने का है, हम लोग जाने वाले हैं उज्जैन। आज पूरा दिन ट्रैवल होने वाला है, पूरा दिन ट्रैवल होने, गाड़ी वाड़ी बुक कर लिए हैं और यहाँ से निकलेंगे अपन ओमकारेश्वर जाएंगे, वहाँ से फिर एक जगह और जाना है, लेकिन हम लोग को शाम रात हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पास बैग पैक हो चुका है, यहाँ पास अपना ट्रॉली बैग हो गया है, पीछे में ये रहे बैग और दिन ब दिन बैग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दो हम लोग बैग लाए थे, अब तीन बैग हो गए हैं। अब देखिए तो चलते हैं, फिलहाल रेडी वेडी हो गए, अब रूम को अलविदा बोलने का समय आ गया है। लोग जस्ट यहाँ पर रुके हैं इस रेस्टोरेंट में, यहाँ नाश्ता करेंगे, उसके बाद निकलेंगे सीधा ओमकारेश्वर। और हम रास्ते में रुके हैं ओमकारेश्वर, यहाँ से कितना है 45 किलोमीटर और बचा है। उससे पहले सोचे कि कुछ नाश्ता कर लेते हैं और हम लोग यहाँ रुके, बाकी बहुत प्यारा होटल, बहुत ही बड़ा होटल नहीं रेस्टोरेंट, यहाँ पर रुके हैं, ऑर्डर वगैरह दे चुके हैं, हम खाने वाला है, उसके बाद यहाँ नाश्ता करने के बाद हम लोग जाने वाले हैं सीधा। ऐसा है कुछ होटल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब, बहुत खूबसूरत। अंदर में जो भी क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत प्यारा, अच्छा लगा। और ये रहा अपनी गाड़ी और निकलना है अपने को थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ से हो गया नाश्ता वगैरह कर लिए, जो भी करना था बहुत कॉस्टली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब निकलते हैं क्योंकि मंदिर के लिए लेट। अभी जस्ट हम लोग पहुँच गए हैं ओमकारेश्वर मंदिर, जा रहे हैं पैदल पैदल, गाड़ी थोड़ी दूर में हमको छोड़ी है और मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं अभी मंदिर। अभी हम लोग जस्ट आगे पुल क्रॉस करने वाले हैं, पैदल पुल। और हो क्या नज़ारा है, कौन सा नदी है, नर्मदा नदी और कावेरी नदी के संगम, ठीक। और ये पैदल पुल, यहीं के बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं इसी का, जिसमें मेरी प्यारी प्यारी वाइफ भी बनाएगी। पुल को जस्ट अभी क्रॉस कर रहे हैं, पुल को क्रॉस करने के बाद उस उधर से आगे से अपने को जाना है और आगे में हम लोग को मंदिर मिलने वाला है, तो जल्दी से चलते हैं क्योंकि भीड़। जिनके साथ गाड़ी में आए भैया वो बोल रहे थे, अंकल हैं वो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा आज गाड़ी वगैरह लगी है तो भीड़ होगा, इसीलिए जल्दी चलते हैं। यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू मिलने वाला है, ये देखिए इधर बहुत ही खूबसूरत व्यू है दोस्त, बहुत ही खूबसूरत। और इस पुल से हम लोग क्रॉस होके आए हैं। मंदिर के किनारे में ऐसे बहुत सारे शॉप लगे हुए हैं और भीड़ तो बहुत काफ़ी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, दर्शन करते हैं जल्दी से। और जैसे हम लोग दर्शन करके निकले उसके बाद सामने में यहाँ पर सबको रोक दिया जा रहा था, हम लोग कैसे कैसे बोल के सोच रहे थे, फिर पता चला नितिन गडकरी जो सर जी हैं ना वो आ रहे थे, जैसे सामने में देख सकते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट, अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी में और गाड़ी में जाने के बाद सीधा अब उज्जैन और एक मंदिर है बीच में शनिदेव का, वहाँ रुकेंगे। बस और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं वोटिंग, काफ़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं तो आया हूँ और इस तरफ है मंदिर, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, इधर अपन आए थे और ऊपर में देख पा रहे हैं ऊपर मंदिर है।
हम उसी होटल में जहां सवेरे रुके थे, और सबसे अच्छी बात है यहां हनुमान चालीसा चल रहा है। यहां उतर के सुनने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। जो अपने गाड़ी में है वो बहुत ही प्यारे हैं। रात को हम लोग को ना राजवाड़ा घुमाने के लिए ले आए, जबकि राजवाड़ा रात को उनको सीधा उज्जैन छोड़ना था, लेकिन वो बोले कि चलो घुमा के लाता हूँ। देखिए राजवाड़ा में रात का कैसा नज़ारा रहा दोस्तों। रात को नज़ारा राजवाड़ा का कुछ नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल, बहुत ही शानदार। दिन को ऐसा कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि रात का नज़ारा कुछ ऐसा होगा, लेकिन अभी रात को बहुत ही ज़्यादा शानदार। कार वाले जो अंकल हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कि वो हमको दो जगह घुमाने के लाए। अलग से वो बोले कि कुछ बोलेंगे मेरे मालिक तब भी मेरे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग घूम लो। और यहाँ भी ले आए हैं अपना इंदौर का बड़े गणपति। दोस्तों रात के बज गए हैं 9:40 और अभी जस्ट पहुँचे हैं। बहुत मुश्किल से रूम मिला, दो तीन जगह पूछे, और ना उज्जैन का ये दिक्कत है कि आप आएंगे और रूम लेंगे ना तो आप मंदिर के किनारे आएंगे तो यहाँ रूम है ना वो कॉस्टली मिलता है 1500-1700 ऐसा। फिर भी आज जो अंकल थे वो बहुत ही प्यारे थे, बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको रूम क्या बोलते हैं दिलाऊंगा बोल के दो जगह तीन जगह बात किए, एक जगह फाइनली रूम मिला। वो बोले कि 2500 रुपये दो रूम का, AC 2500 रुपये दो दिन, एक दिन के लिए मतलब 5000 रुपये दो दिन के लिए। तो आज का ब्लॉग पे फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी और ब्लॉग में। कल आपको उज्जैन का ब्लॉग मिलेगा, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।